allow to introduce about our today's trainer, Mr. Ghulam Murtaza Alvi. Mr. Ghulam Murtaza Alvi is PhD scholar working at Director Training Minhaj al-Quran International. He is author of more than 15 books and has teaching experience of more than 10 years at College of Sharia and Islamic Studies, Minhaj University, Lahore. Moreover, he has organizational field work experience of more than 15 years in Pakistan and 6 different European countries. So please would like to welcome to Mr. Ghulam Murtaza Alvi. Now, sir, session is over to you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Wa ma anfaqtum min shayin fa huwa yakhlifuhu. Sadaqallahu al-Azim. Qabli sad-e-tiram, Muhtaram Najaf Abbas Zaidi Sahib, चेयरमैन सीपीडी कमेटी लाहौर ब्रांच काउंसिल, मोहतरम सलमान हैदर साहब, चेयरमैन एफसीएमए और मोहतरम हबीबुल्ला हाशमी साहब जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया. मेरे लिए ये लम्हात सादत के हैं कि मैं ज़कात की सिग्निफिकेंस और उसकी इम्पॉर्टेंस के हवाले से कुरान मजीद से और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से कुछ अर्ज़ करने की पोजीशन में हूँ. तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस लाहौर ब्रांच काउंसिल को कि जिन्होंने ये मैनेज किया और ज़रिया बने इस दौर में ज़कात की अहमियत को और इफादियत को समझाने के लिए. अल्लाह ताला हमें अपने आकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. इन तमीदी कलिमात के बाद जो जितना वक्त मुयसर है, हमारा मौजू है ज़कात की अहमियत. अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात इंसानी में इंसानियत को जब तख्लीक किया, इस इंसानियत को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी अता फरमाया और इस कायनात के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही का एक सिलसिला शुरू किया और सबसे आखिरी नबी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के लिए आखिरी हादी और रहनुमा अता किया और उनके ज़रिए हमें कुरान मजीद की ये नेमत मुयसर आई और कुरान मजीद ने हमें जहां ज़िंदगी के बकिया तमाम गोशों और पहलुओं में रहनुमाई अता की, वहां कुरान मजीद हमें अपनी माशी ज़िंदगी गुजारने के असूल और ज़वाबित भी समझाता है. और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए जो बेहतरीन माशी अकदार, बेहतरीन माशी लायमल जो हमें अता किया है, उसमें एक ज़कात और सदकात का एक लायमल और तरीक़ाकार है. यानी सदकात का अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा लायमल अता किया है जिससे इंसानियत की भलाई, माशरे से गुर्बत के खात्मे और महरूम मोहताज और मिस्कीन लोगों के हकूक की अदायगी का एक मुकम्मल निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला अता करता है. कुरान मजीद की एक आयत मुकद्दसा का एक हिस्सा मैंने तिलावत करने की सआदत की हासिल की. इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहू. तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व ताला उसका मुतबादिल आपको अता कर देगा, उसका मुतबादिल आपको फराम हो जाएगा, पहुंच जाएगा. तो ज़कात की अहमियत के एतबार से सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने तौहीद और रिसालत और नमाज के बाद
इस्लाम के बुनियादी अरकान में से इसको तीसरा रुकन बनाया है, और इसका सबूत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में कि आका अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की तरतीब बताई, आमाल की तरतीब बताई, तो तौहीद और रिसालत और नमाज के बाद तीसरा रुकन ज़कात है। और ये ज़कात बुनियादी तौर पर इंसानी माशरे को एक खूबसूरत फलाई माशरा बनाने का एक मुनज़्ज़म माशीला अमल है। ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने जो लाजिम की, इसको तीसरा रुकन बनाया, ये हकूकुल्ला में से भी है और हकूकुल इबाद में से भी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हकूक में से इसे रखा कि ज़कात फ़र्ज अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अदा करनी है। इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए उसके दिए हुए माल में से हिस्सा निकालता है, लेकिन हिस्सा अल्लाह को नहीं भिजवाता, हिस्सा अल्लाह के बंदों में तकसीम कर देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत व बंदगी है जिसमें खालिसतन खिदमत मखलूक खुदा की है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी इबादत हमारे लिए बनाई हैं, यानी जो हकूकुल्ला हैं, जब हम तकसीम करते हैं हकूक की, तो कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हकूक जिन्हें हकूकुल्ला कहते हैं, और कुछ हकूकुल इबाद जो बंदों के हकूक हैं। तो बंदों के हकूक तो दिखाई देता है, वो सारे हैं ही बंदों के हकूक, लेकिन जो हकूकुल्ला हैं, जिसमें नमाज है, इबादत हैं, ज़कात है, ये जो अल्लाह के हकूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अपने हकूक में भी बंदों के हक रखे हुए हैं। अब ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि जैसे नमाज अकेले पढ़ें तो एक नमाज का सवाब, और वही नमाज आप अल्लाह के बंदों के साथ मिलकर पढ़ें तो वो नमाज 27 गुना बढ़ जाएगी, यानी उसका अजर और सवाब 27 गुना बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ने अपनी इबादत में मखलूक खुदा की खिदमत को रखा है, और ये इबादत तो ऐसी है जो सरापा अव्वल से लेकर आखिर तक है ही मखलूक खुदा की खिदमत है। तो ज़कात की अहमियत ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हकूकुल्लाह में रखकर हकूकुल इबाद का जरिया बनाया। यहाँ एक अहम बात समझनी और भी ज़रूरी है, ज़कात के बुनियादी मकासद क्या हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमारे लिए क्यों लाजिम किया है। तो पहले एक बात समझ लें कि सदकात दो तरह के हैं, एक सदकात वाजिबा और एक सदकात नाफिला। यानी सदकात वाजिबा वो जो कंपलसरी हैं, अल्लाह की तरफ से लाजमी अदा करने हैं, उनमें तीन चीज़ें शामिल हैं, उसमें ज़कात शामिल है, सदका फितर शामिल है, जो अभी हमने नमाज ईद अदा करने से पहले आखिरी अय्याम में रमज़ान मुबारक है तो इनमें अदा करना है, और तीसरा है उश्र, जो ज़री या बारानी ज़मीन जो होती है, वो बारानी या नहरी ज़मीन, उस पर जो अदा किया जाता है हक अल्लाह का, वो उश्र कहलाता है। ये हैं सदकात वाजिबा। इसके अलावा बकिया जितने सदकात हैं वो सदकात नाफिला कहलाते हैं। ज़कात अज़ुद एक सदका है, लेकिन ये ऐसा सदका है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे पर लाजिम है। अब इसके बाद जो ज़कात की अहमियत कुरान मजीद में और आज़ू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जिस कदर बयान हुई है, अगर हम उस अहमियत को समझ लें तो हकीकत ये है कि हमें इस इबादत से प्यार हो जाए। ये इसकी अगर सही मानों में अहमियत और इफादियत हमें समझ आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत से हमें प्यार हो जाए, और हम अल्लाह तबारक व तआला से ये जो लेन देन है सदके का, ये बढ़ा दें। कैसे? कुरान मजीद की जो आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी उसका तर्जमा भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह उसके मुतबादिल तुम्हें अता कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है बंदे के साथ। अब इंसान कोई भी कारोबार करता है, किसी भी नौयत का कोई कारोबार करे, तो माशी असूलों के मुताबिक उसमें तीन चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक बिजनेस मैन इन्वॉल्व होता है, या वो सेटअप इन्वॉल्व होता है, इदारा इन्वॉल्व होता है, कैपिटल इन्वॉल्व होता है,
और फिर लेबर इन्वॉल्व होती है, रॉ मटेरियल खाम माल इन्वॉल्व होता है, ये तीन चार चीजें मिलकर कुछ प्रोडक्शन करती हैं। और प्रोडक्शन जब सेल होती है तो उस सेल होने के बाद उसमें से जिस जिस का जितना हिस्सा होता है वो हिस्सा उसको तकसीम किया जाता है, खाम माल की कीमत अदा की जाती है, लेबर को उसका मुआवजा दिया जाता है, सरमाया अगर लिया जाए तो उसका प्रॉफिट या इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है, और जो इदारा कंपनी इस सब को मैनेज करती है वो अपना प्रॉफिट लेती है। तो चारों का एक हिस्सा होता है उस प्रॉफिट में जो तकसीम किया जाता है, तो हर एक को उसका हिस्सा मिल जाता है। अब यूं समझ लें, अगर ये मिसाल आपके जहन में है तो बड़ी सादा और आसान सी बात है कि इंसान जो कुछ करता है, जिस भी जरिए से कमाता है, उसमें एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला का होता है। वो किसान जमीन में बीज डाले तो उगने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, इंसान कारोबार करे तो अल्लाह तबारक व तआला तकलीफों परेशानियों आजमाइशों से इंसान को बचाता है और बचा के उसे नफा कमाने के लायक बनाता है। उसे सैकड़ों तरह के हालात का मुकाबला करना होता है और मुकाबला करके वो जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद मांगता है, उससे रहनुमाई लेता है, नुसरत लेता है उसकी, और उसके बाद अपनी कामयाबी तक पहुंचता है, प्रॉफिट कमाता है। तो जैसे हर एक का एक हिस्सा होता है, ऐसे ही गंदम के दाने को जिंदगी देने वाला, बारिश अता करने वाला, जमीन को जरखेजी अता करने वाला वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो यूं समझ लें, हम इस सारे मुनाफे और आमदन और प्रॉफिट में से एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला का भी रखते हैं। वो कहता तो उसे अपना हिस्सा है, लेकिन उसकी इंसानियत पे करम नवाजी है कि वो अपने नाम पर लेकर अपने बंदों में तकसीम करने का हुक्म देता है। तो यूं समझ लें, ज़कात इस कारोबारे दुनिया में अल्लाह का प्रॉफिट है, अल्लाह का हिस्सा है, जो दयानतदारी से हमने अदा करना है, और अदा किसे करना है? अल्लाह के बंदों में तकसीम करना है। दयानतदार बंदा वही होता है कि जो मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे, जो खाम माल जहां से खरीदा है उसकी पेमेंट करे, जो सरमाए का इंटरेस्ट या उसका प्रॉफिट उसको अदा करे और अपना हिस्सा ले। तो जब बेहतरीन कारोबारी वही होता है जो दयानतदारी के साथ हर एक का उसको हिस्सा अदा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हिस्सा बड़ा मामूली सा रखा हुआ है, उसने 100 पर 2.5% 2.5 उसने अपना हिस्सा रखा है कि बंदे तू 98 ले, 97.5 तू खुद वसूल कर, उससे प्रॉफिट को तकसीम कर बकिया हिस्सादारों में और खुद भी उससे कमा, तो उसका एक मामूली सा हिस्सा तू मेरे लिए रख ले। बारी ताला वो हिस्सा हमने कैसे पहुंचाना है? आपको मनी ऑर्डर करेंगे? नहीं, वो मेरा हिस्सा अपने दाएं बाएं देख, सिर्फ दो को वो नहीं दे सकता, एक वालिद को और एक औलाद को। ये जो सदकाते वाजिबा हैं, वालिद को और औलाद को नहीं दे सकता, बाकी हर एक को दे सकता है। तो वो जो तेरे दोस्त आबाब रिश्तेदार करीबी लोग जो मेरे बंदे और तेरे अजीज हैं, तेरे करीब हैं, उनमें से कोई जरूरतमंद है तो ये मेरा हिस्सा उसे पहुंचा दे, समझ ले मैंने वसूल कर लिया। तो ज़कात अगर इंसान टैक्स समझे, बोझ समझे, वो लाख में से 2.5 हज़ार, करोड़ों में से 2.5 लाख इसको देखेगा तो शायद उसे लाखों में जब फिगर जाएगी तो परेशानी होगी। इतनी ज़कात मैंने मेहनत से कमाई है, माल कमाया, मैं इसमें से निकाल के दे दूं, तो अगर ये देखेगा कि मैं कितना दे रहा हूं तो शायद मुश्किल हो जाए। इंसान है, इस माशरे के असरात उस पर मुरतब होते हैं। और अगर वो ये देखे कि ये उस सारे आमदन में से रब का हिस्सा है जो मैंने उसको देना है, उसके रजा के लिए देना है, तो जिसको दे रहा है उसकी तरफ निगाह डालेगा तो सर शर्म से झुक जाएगा
कि बारी ताला मेरे पास तो जो कुछ था वो तेरा ही था, मेरे अंदर जो सलाहियत है वो भी तेरी दी हुई है, जिसे मैं अपनी अकल और शऊर की कमाई समझ रहा हूं वो मेरा अकल और शऊर भी तेरा दिया हुआ है, जिसे मैं अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट समझ रहा हूं वो भी तो तेरी रहनुमाई से मुझे मुयस्सर आई है, तेरी तौफीक से मैंने इतना बड़ी एम्पायर कारोबार खड़ा किया है। तो वो जो अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की मदद, अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें, उसकी नेमतें जो हमें मुयस्सर आ रही हैं, उसके अगेंस्ट जब हम देखें कि हम सिर्फ 2.5% दे रहे हैं, तो जब बंदा उसको देखता है जिसकी बारगाह में दे रहा है, तो फिर ये बड़ा मामूली सा हिस्सा लगता है। और अगर आप देते हुए उस बंदे का हाथ देखेंगे तो आपके जहनों में और ख्याल आएंगे, यार इसको तो कुछ और बंदों ने भी दी हुई होगी, पता नहीं इसकी जरूरत पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, मालूम नहीं अब इसको और चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मालूम नहीं ये हकदार भी है कि नहीं है, मालूम नहीं अब मुझे क्या इंप्रेशन दे रहा है, पीछे इसकी सूरत हाल क्या है। आप इसको देखते रहेंगे, देखना जरूरी है, इन मुनासिब हद तक छान पटक करना जरूरी है, रागीरों अपना भिकारियों को देना जरूरी नहीं है, मुस्तहिक और जरूरतमंद को पहुंचाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस अपने हिस्से के बारे में फरमाया कुरान मजीद में, वफी अमवालहिम हक्कुम लिस्साइल वल महरूम, हमने तुम्हारे कमाए हुए हलाल मालों में रख दिया हिस्सा मोहताजों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों का। ये मुकर्रर किसने किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो आज से जब भी अल्लाह तबारक व तआला कोई सदका देने की तौफीक दे, कोई ज़कात अदा करने की तौफीक दे, फितराना अदा करने की तौफीक दे, उशर देने की तौफीक दे, तो ये ना सोचें कि आप किस को दे रहे हैं, वो छान पटक करने के बाद, तहकीक करने के बाद, दे अल्लाह को रहे हैं और वसूल उसके बंदे को करवा रहे हैं। अगर ये तवज्जो, ये यकसुई रही, तो ज़कात भी उसका मनसब, उसकी अहमियत समझ आ जाएगी। आपको सारा कुछ देने के बावजूद भी थोड़ा नजर आएगा, आप यूं फील करेंगे कि मैंने तो कुछ भी अदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने जो मुझे नेमतें अता की थी मैंने तो उसमें से कुछ हिस्सा भी नहीं उसकी बारगाह में पेश किया। और इसकी अहमियत एक और पहलू है, मैं बस चंद एक पहलू इसके अर्ज कर रहा हूं इसकी अहमियत के। एक और पहलू यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे से कई गलतियां होती हैं जिंदगी में, कई खताएं होती हैं, छोटे भी गुनाह होते हैं, बड़े गुनाह भी होते हैं, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला बचाए हरे को, महफूज रखे इस गुनाह से, लेकिन इंसानी जिंदगी है, माशरे में गुनाह इंसान से होते रहते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी से कोई कबीरा गुनाह हो जाए, बड़ा गुनाह हो जाए, दर गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गज़बनाक होती है इंसान के लिए, तो अगर कोई ऐसा अमल बंदे से हो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर गज़बनाक हो जाए, तो हदीस पाक है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को जोश है सबसे ज्यादा ठंडा करती है, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को जोश है कम करती है, अल्लाह तबारक व तआला के उस जलाल को जोश है मिटाती है। हुज़ूर ने फरमाया सदका अल्लाह के गजब को भी ठंडा कर देता है, वो सदका वाजिबा हो या सदका नाफिला हो। तो आप यकीनन भला तो कर रहे हैं उस बंदे का जिसको कुछ दे रहे हैं, वो उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, वो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ माल में अगर कमी दी है तो उसका कमी पूरी हो रही है, वो अपनी आसाइशें ले रहा है, जरूरत की चीजें खरीद रहा है, लेकिन पहली तवज्जो इस बात पे रखें कि आप उसका भला बाद में कर रहे हैं, पहले अपना भला कर रहे हैं। और कितना बड़ा भला कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अमल आपकी खता से हुई जिस पर आपको नहीं अंदाजा कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, खता हो गई है, जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई आपसे, जिस पर आपका रब आपसे नाराज है, बरकत खत्म हो गई है, आपको तकलीफ है, परेशानी है, सेहत अल्लाह ने वापस ले ली है, मुमकिन है ये हमारे किसी अमल का नतीजा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको शिफाएं दे दे, अल्लाह आपको तकलीफों, मोहताजों, परेशानियों से निकाल दे,
अपने गजब और जलाल को आपसे खत्म कर दे तो उसका बेहतरीन जरिया ये सदका है। वो सदके में जकात और सदका फितर भी है, उशर भी है और दीगर सदकात नाफिला भी है। तो दूसरी अहमियत मैंने इसकी अर्ज की आपको कि ये इतनी बड़ी इबादत है और अल्लाह को इतना कबूल है ये अमल कि अल्लाह तबारक व तआला सदका देने वाले पर अपना गजब और जलाल खत्म फरमा देता है, कम फरमा देता है। और सिर्फ यही नहीं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीसे पाक का अगला हिस्सा है कि इंसान को बुरी मौत से बचाता है। जाहिर है इंसान ने दुनिया से जाना है, हर आने वाले ने अपना अरसा हयात मुकम्मल करके इस दुनिया से रवाना होना है। मुख्तलिफ अंदाज है दुनिया से जाने के, कोई सुकून और आराम से अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हुए उसका नाम लेते हुए दुनिया से जाता है, कोई हादसे तकलीफ और परेशानी के जरिए जाता है, अल्लाह माफ़ करे, चलने के वाकयात भी हो जाते हैं और गाड़ी में दफ्तरों में जगहों में इंसान आग से झुलस के भी दुनिया से चला जाता है। अगर इंसान चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत को आसान फरमाए, उसकी तकलीफ में कमी फरमाए और आसान मौत अता करे, दुनिया से जाते हुए सफ़र आसान हो जाए, तो सदका इंसान के आखिरी सफर को आसान करता है। तीसरी और आम बात, वो सदका या जकात वो नमो का जरिया है, ये कतन कमी नहीं होती इससे। बस ये जिसका यकीन और ईमान जितना मजबूत हो उसे ये उतना ही नफा देता है ये अमल। यानी इंसान जाहिरन तो उसके हाथ से माल निकलता है, जाहिरन तो किसान गंदम के दाने जमीन में दबा देता है, जाहिरन तो अपनी आमदनी में से 1 लाख में से 2500 रुपया निकाल के नकद किसी को पकड़ा देता है और गिनने के बाद 97.5 ही बाकी बचते हैं। जाहिरन तो उसे कमी ही दिखाई देती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा है फहुवा युखलिफुहू, वो उसका मुतबादल अता करता है, ये किसी भी सूरत में कमी इससे नहीं होती। ये वाकयात बात समझाने के लिए होते हैं, ये रेफरेंस के लिए नहीं, ताकि बात दिनों तक उतर जाए और बात समझ आ जाए। हजरत राबिया बसरी अल्लाह तबारक व तआला की नेक और मुकर्रब बंदी, दुनिया से में अल्लाह की इबादत तो बंदगी करती रही और मखलूक खुदा की रहनुमाई करती रही। एक दिन उनके पास मेहमान आया और मेहमान ऐसे वक्त में आया जो खाने का वक्त था। आपने अपने घर में खाने का सामान देखा तो जस्ट 1 रोटी थी, आपने वो रोटी उठाई, बाहर निकली और अल्लाह की राह में तकसीम कर दी, वापस पलटी। खाली हाथ देखकर मेहमान सोचने लगा कि इनके पास 1 ही रोटी थी, अगर वो आधी आधी कर देती तो कुछ ना कुछ पेट दोनों का भर जाता, वो 1 भी तकसीम कर आई, अब ये क्या खाएंगी और मैं भूखा रात गुजारूंगा। कुछ देर गुजरी, दरवाजे पे नाकिंग हुई और किसी ने बुलाया, हजरत राबिया बसरी गेट पर गई तो आने वाले ने कहा कि ये आपके लिए किसी ने खाना भिजवाया है। आपने वसूल करने से पहले कहा कि बर्तन से ढकना उठाओ या कपड़ा उठाओ, मैं गिनना चाहती हूं। उन्होंने गिनी तो 9 रोटियां थी। अब उनका यकीन और ईमान अपना था, फरमाने लगी ये मेरा नहीं है, किसी और के लिए भेजा है, ले जाओ, मेरे रब से वादा है, यानी अल्लाह का मुझसे वादा है कि वो 1 के बदले 10 अता करेगा। कुछ देर गुजरी, फिर एक और शख्स आया वो खाना लेकर, आपने उसकी रोटियां गिनी तो वो 10 थी, तो फिर मैं हाँ ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। आपने खुद भी तनावल फरमाया और मेहमान को भी पेश किया। तो ये तो बढ़ता है, हर कीमत पे बढ़ता है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। बंदे का यकीन जितना मुस्तहकम होता है उतना ही उसे ये सदका बंदे को बरकत अदा करता है। अब कितना को यकीन रख सकता है वो उसकी यकीन की लिमिट हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नमो यानी बढ़ने और इजाफे की कोई लिमिट नहीं है। कुरान मजीद में कई मुकामात पर आता है कि वो 1 नेकी को 10 गुना भी बढ़ाता है, फिर वो 1 नेकी को 7 गुना, फिर 700 गुना,
और फिर उसको भी दुगना करके उसमें इजाफा करता है, जिसकी मिसाल अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी सादा और आसान समझाई कि जो कोई पीएचडी हो या अनपढ़ किसान हो, सबको बराबर समझ आ जाए। फरमाया जब तुम एक दाना अल्लाह की राह में देते हो तो अल्लाह ताला उस दाने से जो पौधा निकालता है उस पर 7 बालियां लगाता है, 7 में से हर एक में 100-100 दाने होते हैं। तो एक को 7 के बराबर, 7 को 700 के बराबर, और फिर इख्तिताम में फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहता है इसको 700 को भी दुगना कर देता है, यानी वो 1400 या उससे भी बढ़ा देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है बंदे के साथ कि वो हमेशा सदके का में देने वाले के लिए इजाफा ही अता करता है, उसे उससे ज्यादा ही अता करता है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का वो वाकया तो मशहूर है, अब आप सबने सुना होगा कि जब मदीना पाक में कैद पड़ा तो उसी दौरान आपका सामान तिजारत आया, सामान तिजारत के ऊंट अभी पहुंचे तो बड़े बड़े ताजर आ गए और आके कहने लगे ए उस्मान ये माल हमें दे दो और हमसे दोगुना मुनाफा ले लो और हम आगे इसको सेल करेंगे। दूसरे ताजर ने 3 गुना, तीसरे ने 4 गुना, हत्ता के 5 गुना रकम देने का, यानी 5 टाइम उसको बढ़ाकर पेमेंट करने के लिए उन्होंने बोली लगाई, अपनी बिड दी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि नहीं, है कोई तुम में से जो मुझे इसका 10 गुना दे दे। खामोश हो गए सारे ताजर कि ऐसा ताजर मदीने में कौन हो सकता है कि जो एक के बदले 10 अता करे, इतना महंगा माल कौन खरीद सकता है, फिर आगे भी जा रहे सेल करना है और खुद भी मुनाफा कमाना है। तो आपने फरमाया सुनो, मैं ये सारा माल उस ताजर को दे रहा हूं जिसने मेरे साथ 10 गुना का वादा किया हुआ है, और मैं अल्लाह की रजा के लिए उसकी मखलूक जो मोहताज और मिस्कीन है उसमें फ्री तकसीम कर रहा हूं। तो अगर इंसान को ये पता चल जाए इसकी अहमियत का, तो जकात तो जकात रही, इंसान सदकाते नाफिला में इस कदर आगे बढ़ जाए कि वो अल्लाह के दिए हुए को तकसीम करने पे लग जाए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस हदीस पाक पर। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सखीयु हबीबुल्लाह, कि वो जो खर्च करने वाला है, जो तकसीम करने वाला है, जो अल्लाह की नेमतें बांटने वाला है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जिसे रब अपना दोस्त बना ले उसे दुनिया और आखिरत में क्या कमी है। तो मैंने जितना वक्त मुयसर था उसमें मैंने जो खुलासा था जो बात अर्ज की कि ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयद करदा एक ऐसा हुक्म है जो मखलूक खुदा की बेहतरी तो बाद में है, पहले देने वाले की बेहतरी और फलाह के लिए है। ये एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की कमाई और माल में से अपना हिस्सा रखा है, जो वो अपना हिस्सा अपने बंदों में तकसीम करवाता है। ज़कात एक ऐसा अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा करता है, इंसान को आसान और बेहतर मौत अता करता है, दुनिया से आखिरी सफर उसका आसान होता है। ज़कात एक ऐसा अमल है जो देने वाले के माल में मुसलसल इजाफा करवाता है। ज़कात एक ऐसा अमल है जो बंदे को अपनी हैसियत से उठाकर अल्लाह का दोस्त बना देता है। ये सदकाते वाजिबा में से है और इसकी रेशो आपको मालूम है 2.5% है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मखलूक खुदा की बेहतरी और अल्लाह और अपने अपने हबीब की रजा के लिए ये अमल सदके का और खसूसन ज़कात का मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिए हुए मालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये वक्त अभी नहीं है इतना, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरह बारगाह में अपनी बारगाह में सदका देने, ज़कात देने या सदकात देने के कुछ 17 आदाब बयान किए हैं कि रब को देना है ना तो फिर किसी तरीके अदब और सलीके से देना है ताकि वो तुम्हें 700 और 7000 और हजारों गुना नफा पहुंचाए। तो इसके
आठ मसारिफ हैं, वो जब सवालात होंगे तो मोहतरम अल्लामा महमूद अहमद मसूद साहब गुफ्तगू कर लेंगे, चूँकि वक्त थोड़ा बचा है तो मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और उसके बाद दूसरे स्कॉलर जो हैं हमारे साथ उनका इंट्रोडक्शन होगा और वो आप सवालात के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेहद शुक्रिया गुलाम मुर्तजा साहब आपकी सिरे हासिल गुफ्तगू का, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने ऐसे पाकिस्तान को दिया। अब हम हमारे पास हमारे सेकंड स्पीकर मौजिज महमूद मसूद काजी साहब मौजूद हैं, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। Let me introduce about our today's speaker that will, you know, conduct the session for the question answer session. Mr. Mahmood Masood, he is MA Arabic Islamiyat in an outstanding Islamic scholar as a working as deputy director, director of training and coordinator course at Tahreek Minhaj al-Quran International. He is a motivational speaker, trainer, and thinker, writer of many articles on major Islamic issues, conducted more than 100 trainings all over the Pakistan and international level. So I would like to welcome to Mr. Mahmood Masood. Please sir, now we'll start the question answer session. First of all, thanks to your introduction and your invitation for this webinar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to everyone. Bahut acha laga aap logon ke sath ye session aur bahut khoobsurti se muhtaram Allama Ghulam Murtaza Alvi sahib ne conduct kiya pehla session aur badi comprehensively unhone guftugu farmayi. Aap logon ka bhi shukriya ki aap logon ne mujhe invite kiya aur isme hame participate karne ka mauka diya aur apna maafi zameer logon ke samne bayan karne ka mauka diya. Thank you. मैं आप पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगी, चूंकि सेशन आपने हमारा सुन लिया है एक घंटे का जो कि गुलाम मुर्तजा साहब ने कंडक्ट किया, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज यू मे ओपन योर माइक एंड आफ्टरवर्ड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन इज दैट देर इज अ चैट ऑप्शन इन योर जूम कनेक्टिविटी, सो यू विल राइट ओवर द अदर क्वेश्चन, देन आई विल कॉल इट आउट, देन यू विल गेट द आंसर. थैंक यू. दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में से किसी के पास भी जा सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं. मैम साहब, देर इज अ क्वेश्चन, मैं आपसे आपको बता देती हूँ कि अब्दुल वहीद साहब पूछना चाह रहे हैं कि सर प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन ज़कात, सदका एंड खैरात. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, इस्लाम के अंदर देर आर टू काइंड ऑफ सदकात चैरिटीज. वन ऑफ देम इज यू कैन से ऑब्लिगेटरी चैरिटी एंड सेकंड वन इज द ऑप्शनल वन. Obligatory is the zakat, जो कि फर्ज है आप पे हर किसी हर सूरत में. If you have a certain amount in your account and your balance, या आपके पास वो सोने और चांदी की मकदार है तो you will have to pay that amount. Zakat की जो है ना वो ये हद है, वो आपने 2.5% वो आपने pay करनी है. लेकिन जो सदकात होते हैं नाफिला, उसको कहते हैं सदकात नाफिला. ये जो सदकात है ये सदकात वाजिबा हैं, कंपल्सरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, ये आपने हर सूरत अदा करने हैं. और अगर आपकी जो अमाउंट है वो सर्टन लेवल तक आपका जो क्राइटेरियन है वो पहुंच जाए, आपके निसाब आपका निसाब पहुंच जाए तो यू विल हैव टू पे. लेकिन जो सदकात नाफिला हैं उसमें आप कह लें कि चैरिटीज हैं, सदकात हैं, खैरात है, उसकी कोई हद नहीं है और उसका कोई निसाब नहीं है. आप 10 रुपये में से भी जकात दे सकते, सदकात दे सकते हैं,
खैरात कर सकते हैं. यू हैव ओनली 10 रुपीज, तो आप 10 रुपीज में से भी 5 रुपए 5 रुपीज आप सदका कर सकते हैं. तो 100 में से भी कर सकते हैं, लाख में से भी कर सकते हैं, जितनी आपके पास अमाउंट है. और उसमें यह भी नहीं है कि आपने 2.5% पे करना है, जितनी आपकी जो है वो दिल करता है वो पे करें आप. योर हार्ट आउट, आप खुल के उसमें से आप खैरात कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, उन लोगों को भी दे सकते हैं कि जो सदकात में आप फील करते हैं, जकात में आप प्रोहिबिटेड हैं, कि जिनको आप नहीं दे सकते उनको भी दे सकते हैं. आप खाना खिला सकते हैं, आप लोगों को उसमें से पिला सकते हैं, आप लोगों को लिबास लेके दे सकते हैं, आप यतीमों पर खर्च कर सकते हैं. उसमें फिर कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. तो ये दोनों में फर्क है कि जो सदकात के वाजिबा हैं, जकात है, उसके अंदर कुछ पाबंदियां हैं कि ये लोग हैं इनको आप दे सकते हैं, और ये अमाउंट है सर्टन अमाउंट, और ये उसका निसाब है, ये यूं पे कर सकते हैं. और जो नाफिला सदकात होते हैं, खैरात होती है, उसमें कोई सर्टन अमाउंट नहीं होती, वो आप अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं. ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों ऑप्शंस खुले रखे हैं, ताकि आप लोग किसी पाबंदी का शिकार ना रहें, किसी बाइंडिंग्स का शिकार ना रहें. आप ये ना फील करें कि मैं तो इतना पे करना चाहता था लेकिन पाबंदी इतनी थी कि मैं इतना पे कर सका, तो आप ज्यादा भी पे कर सकते हैं और वो सदकात के जुमरे में आएगा, उस शोबे में आएगा. तो ये है इसके पीछे पूरी साइंस और अल्लाह पाक के यहाँ फिलोसफी, कि इंसान जो है वो खुले बंदों भी खर्च करे और जकात जो सर्टन अमाउंट है. देखिए, जकात के लिए आपके पास एक सर्टन निसाब होना जरूरी है, फिर उसके ऊपर एक साल गुजरना जरूरी है, साल गुजरेगा तो तब जाकर होगा, और फिर एक सर्टन अमाउंट आप पे करेंगे 2.5%. यानी 1,00,000 रुपया है आपके पास, तो आप 2,500 उसमें से आप जकात के तौर पर पे करेंगे. लेकिन सदकात क्या है, सदकात क्या है, वो आप ज्यादा भी पे कर सकते हैं, आप किसको मर्जी अदा करें पे करें, तो देयर इज नो लिमिटेशन. ये है इसका बुनियादी तौर पर मकसद. ये पूछना चाह रहे हैं कि इस कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स बाय गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ ज़कात? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन. हमारे बहुत सारे लोग वो ज़कात में शामिल हो जाते हैं और फिर हम उसी के जरिए जो है वो ज़कात अदा कर लेते हैं. ऐसा नहीं है. ये जो ज़कात है, यूँ कह लीजिए कि जो है अपने माइक जो है वो प्लीज अगर आप ऑफ कर लेंगे. ज़कात जो है, जी ठीक हो गया, ज़कात जो है ये टैक्सेस में शामिल नहीं होती. ज़कात में एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखिए, नंबर वन, देयर शुड बी अ सर्टन क्राइटेरिया. वो मैं आपको बता देता हूँ. वो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी अमाउंट, इसके बराबर अमाउंट, वो आपके पास हो और फिर उस पर साल गुजर जाए, 1 year of time वो गुजर जाए, फिर आपने पे करनी है उसमें से सिर्फ 2.5%. और पे जिसको करनी है वो भी मुअय्यन लोग हैं, हर किसी को आप पे नहीं कर सकते, और उनको फिर मालिक बनाना भी जरूरी है. यू विल मेक देम ओनर ऑफ दैट अमाउंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझदारी की बात है. आपको पता होना चाहिए कि मैं किसको पे कर रहा हूँ, ये जरूरी है. तो 10 taxes जो आप पे करते हैं वो तो गवर्नमेंट को पे करते हैं आप, गवर्नमेंट ने फंड कहाँ लगाने हैं, तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. And taxes are an obligatory, finance from the Allah Almighty. तो ये यूं कह लीजिए कि Allah Almighty की तरफ से आपने पे करने हैं और लोगों पर पे करने हैं, लोगों को अदा करने हैं. तो इन दोनों में फर्क है. जितने भी taxes हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेमी गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनको आप शुमार नहीं कर सकते और शामिल नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते आप ज़कात में. ज़कात और चीज है और ये taxes जो है वो और चीज. Alama Sahab, next question is from Mr. Zayaur Rahman. He is asking why banks deduct zakat at minimum balance of rupees 80,000 while nisab is minimum of 7.5 tola gold or 52 tola chandi.
ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए जो मिनिमम निसाब हम काउंट करेंगे ना वो चांदी का करेंगे। मिनिमम जो निसाब काउंट करेंगे यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो हदें तो मुकर्रर फरमाई है ना, या 7.5 तोले सोना, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। और जो मिनिमम अमाउंट है या मिनिमम निसाब है वो क्या है, 52.5 तोले चांदी। ठीक है, तो चांदी का निसाब हमेशा हम ज़हन नशीन रखेंगे। जब भी हमें ज़कात देनी होगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास 7.5 तोले सोना हो तो मैं तब ज़कात अदा करूं, नहीं, मिनिमम जो निसाब है वो 52.5 तोले चांदी है, उसको आप अकाउंट काउंट कर लेंगे। देखें आपके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और फिर रुपीज भी हैं, मनी भी है, पैसे भी हैं बैंक में अकाउंट में, फिर आप ये भी इंतजार नहीं करेंगे कि सोना अपनी अपने निसाब को पहुंचे, चांदी अपने निसाब को पहुंचे, नहीं, आप क्या करेंगे, तीनों की मालियत को इकट्ठा कर लेंगे, सोने की भी, चांदी की भी, और जो अमाउंट आपके पास है वो भी अगर मिनिमम 52.5 तोले चांदी की कीमत के निसाब को पहुंचते हैं, देन यू विल हैव टू पे, आपको ज़कात अदा करनी होगी। राइट सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रखा है इंसान के लिए कि आप मिनिमम जो जो है वो निसाब जो है वो चांदी का है, सोने का नहीं है, तो आप इंतजार करते रह जाएं सारी जिंदगी के 7.5 तोले सोना होगा तो तभी जाके मैं ज़कात दूंगा, या चांदी होगी तब ज़कात दूंगा, या पैसे होंगे तब ज़कात दूंगा, नहीं, तीनों में से कोई चीज भी हो जाए तो देन यू विल हैव टू पे द ज़कात। राइट अलमा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर तलाल खान, ही इज आस्किंग दैट ऑन व्हिच अमाउंट ऑफ द गोल्ड ज़कात इज एप्लीकेबल, एज आई हैव हर्ड दैट द गोल्ड व्हिच वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द रूटीन डेज इज नॉट ज़कात एप्लीकेबल। नहीं, ऐसा नहीं है, गोल्ड कभी भी कोई जो है ना वो पैसे के लिए नहीं रखता, गोल्ड यूज के लिए ही रखा जाता है हमेशा। इसमें हमेशा ये बात ज़हन नशीन रखें कि जो गोल्ड आपके यूज में है उसी पर ही ज़कात हो, जो आपने खा वो उसका वो ऑर्नामेंट्स की शक्ल में है, ऑर्नामेंट्स की शक्ल में है, जेवरात की शक्ल में है, खा वो खाम सूरत में मौजूद है आपके पास और आपने उसको फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड रखा हुआ है, वट एवर द पर्पज ऑफ द गोल्ड इज यू विल हैव टू पे द ज़कात। यानी दोनों सूरतों में आपको जो है वो सूरत ज़कात पे करनी होगी, वेदर यू आर यूजिंग इट, योर वाइफ इज वेयरिंग द यू नो ऑर्नामेंट्स आपके घर में मौजूद है, whether you have prepared it for the marriage for someone, तो जिस भी सूरत के लिए आपने रखा हुआ है, तैयार किया हुआ है, you will have to pay zakat, क्योंकि ये एक basic यूं कह लें कि समन है basic चीज है जिस पर जो है वो आप money को count करते हैं, इसलिए इस पर zakat है। सोना और चांदी, सोना भी मुख्तलिफ औकात में रहा है, बुनियादी तौर पर एक यूं कह लें एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुकर्रर किया हुआ है, पहले वो होते थे दिरहम होते थे या दिनार होते थे, वो सोने और चांदी के होते थे, तो इसलिए जो है इसको बुनियाद करार दिया गया है वेल्थ का। तो ये जब किसी भी शक्ल में मौजूद होगा, किसी भी सूरत में मौजूद होगा, तो इस पर आपको ज़कात अदा करनी होगी। राइट सर, तलाल खान अगेन आस्किंग दैट वी हैव टू पे ज़कात ऑन कॉस्ट और ईदर फेयर मार्केट वैल्यू, जो आपको इजी लगता हो, ये बड़ा पॉइंट है, जो आपको इजी लगता हो, आप मार्केट वैल्यू सूट करेगी, कॉस्ट जो आपने खरीदी हुई है, यानी माजी में आपने 7,000 10,000 15,000 में सोना खरीदा था, तो आप कहें जी मैं जकात उसी पर दूंगा या दूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो मार्केट वैल्यूज की करंट जो है वो मौजूद होती है, ज़कात आप उस पर देंगे और उसी को काउंट किया जाएगा। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद बशीर, इज आस्किंग इफ ऑन द लास्ट ईयर आई पेड ज़कात ऑन 1 लाख रुपीस एंड ड्यूरिंग द ईयर आई सेव्ड एंड नाउ आई हैव 2,50,000 रुपीस एट द एंड ऑफ द करंट ज़कात ईयर, ऑन व्हाट अमाउंट आई नीड टू पे ज़कात। आप टोटल अमाउंट को जमा करेंगे, 2 लाख है, 3 लाख है, जितनी भी अमाउंट है वो पिछली में अगर कुछ जमा हुई है तो फिर सबको मिलाकर जमा करेंगे, पर ज़कात देंगे, और अगर
पिछली जो पिछले साल जिस पर आपने ज़कात दी थी वो खर्च हो गई है और नई अमाउंट जमा हुई है, या उसमें से कुछ बचा है, कुछ बचा है, मिसाल के तौर पर पिछले साल 1,00,000 था, 50,000 उसमें से खर्च कर लिया, 50,000 सबका बचा है और 1,00,000 नया उसमें एड ऑन हो गया है, तो आप टोटल अमाउंट को जमा करेंगे और उसमें से ज़कात देंगे, और अगर पिछला भी पड़ा है और नया मजीद जमा हो गया है तो टोटल अमाउंट पर बेसिकली ज़कात होनी है, और ये 22.5% है, यानी 1,00,000 के पीछे जो है वो 2,500 है, 2,00,000 के पीछे जो है वो 5,000 है, इसी तरह आप एड ऑन करते जाएं, इसको कैलकुलेट कर लें, 2.5% के एतबार से आपको ज़कात देनी है। Alama sahab, next question is from Mr. Shafiq Ahmed. Is asking that is zakat applicable on plot or residential house? Ji, zabardast. Ye bhi bahut zabardast question hai aur log is par bhi jo hai wo bahut pareshan rehte hain. Dekhiye, residential jo plots hain, aapne rehaish ke liye plot khareeda hai to us par aur us par ghar bana liya hai to is par zakat nahi hai. Kabhi bhi nahi hai. Haan, aapne plot khareeda hai for the ट्रेड, आपने आगे उसको बेचना है, उसको कारोबार में यूज करना है, या उस पर आपने कोई स्कीम बनानी है, तो अब इस पर जकात है। लेकिन जकात कैसे आप पे करेंगे, क्योंकि आपकी जमीन तो पैसे नहीं दे रही ना, वो तो उसमें तो आपके पास मिसाल के तौर पर एक शख्स पास 10 प्लाट हैं, लेकिन उसकी जेब में पैसे तो नहीं है इस वक्त कि वो फौरन पे कर दे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब कभी आप ये सेल आउट करेंगे, जब कभी आप सेल आउट करेंगे या इस पर कुछ बनाएंगे, आप बिजनेस बनाएंगे, कोई शॉप बनाएंगे, उसमें से जो अर्निंग होगी, उस अर्निंग पर या उसके पैसे जो आप जब सेल करेंगे तो जो मिलेंगे, तो उस पर आप जो है वो हमेशा ज़कात अदा करेंगे, उसमें से आप डिडक्ट कर लेंगे और आप हिसाब लगाएंगे कि मैंने कितनी ज़कात देनी है। मिसाल के तौर पर एक प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए का है जी, तो आपको अभी ये जमा करने की जरूरत नहीं है कि इसमें 10 साल हो गए हैं तो 10 साल की ज़कात इतनी बनेगी, ठीक है, तो मैं उसको जमा करवा दूं, नहीं, आप 1 करोड़ की ज़कात निकालेंगे। यानी जब आप प्लॉट को सेल आउट करेंगे, मकान को सेल आउट करेंगे, तब आपको यकमुश्त ज़कात अदा करनी होगी उसकी टोटल अमाउंट पर। जमीन पर जो ज़कात है वो उसकी अमाउंट पर ज़कात है बेसिकली, तो आप जब उसको सेल आउट करेंगे तब जाके आपको उसकी ज़कात जो है वो अदा करनी होगी। तो रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल जो हाउस है, उस पर ज़कात नहीं है। किराए पर मकान दिया हुआ है आपने, उसकी जो अमाउंट है जो आ रहा है किराया, वो अगर निसाब की हद तक पहुंच गया है और साल उस पर गुजर गया है तो उस पर ज़कात है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। Right. Alama sahab, next question is from Mr. Badiuzzaman Qureshi sahab, and he's asking that please explain paying sadaqat to non-Muslims. This is helpful for those who are expats. ये भी जबरदस्त सवाल है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो मसारफ ज़कात बयान फरमाए हैं, उनमें से एक जो मसारफ था, मसरफ था, वो मुअल्लफतुल कुलूब था। ये यूं कह लीजिए कि जब इस्लाम का आगाज था, इस्लाम यूं कह लें कि थोड़ा सा ताकतवर था और कम थे लोग मुसलमानों के यहाँ, मुसलमान कम थे, कम तादाद में, तो एक जरिया ये भी पेश किया गया के लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ मोड़ने के लिए जो है वो आप क्या करें, आप जकात दें उनको 22.5% अपनी टोटल माल में से। क्योंकि इस्लाम के पास कुछ गनी लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे, सईदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने, बड़े बड़े गनी लोग थे, सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, इनका ट्रेड था, कारोबार था कपड़े का, तो ये बड़े बड़े गनी लोग भी थे। तो इस्लाम ने चाहा कि चलें, इससे लोगों को जो है वो अरब मुआशरे में तो बहुत भूख थी, बहुत यानी उनके यहाँ हालात अच्छे नहीं थे, तो इस्लाम ने कोशिश की कि लोगों को इसकी तरफ मायल किया जाए और उनको दीन की तरफ लाया जाए, उनको ज़कात के पैसे दिए जाएं जिससे वो मोल्ड हो जाएं इस्लाम की तरफ। लेकिन बाद में इसको मना कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि इस्लाम एक बड़े पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फैल गया, और यूं कह लीजिए कि ज़कात से जो है वो अपनी जरूरियात पूरा करना जो है वो मुश्किल हो गया, अपने मुसलमानों की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया, मुसलमान ज्यादा हो गए, तो फिर ये हुक्म जो है वो मनसूख हो गया, मुअल्लफतुल कुलूब का जो जो है वो मसरफ जो है ये मनसूख हो गया कि अब काफिर को आप ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखें
काफर को आप जकात तो नहीं दे सकते लेकिन सदकात और खैरात में से आप उनको शरीक कर सकते हैं। दूसरे जो जराए हैं आप उसमें से ज्यादा, यहाँ तो आप पर पाबंदी है ना कि आपने सिर्फ 2.5% देना है, लेकिन आप फील करते हैं कि कोई मोहताज है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो आप उसको पे कर सकते हैं, उसको आप सदकात में से, खैरात में से आप दे सकते हैं। इसी तरह कुर्बानी का गोश्त भी आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लैट्स बने होते हैं, वहां पे बेचारे लोग रह रहे होते हैं, तो उनको कुर्बानी का गोश्त देना, उनको सदकात में, उनको खाने में शरीक करना, ये भी जायज है। तो खाना उनको देना, उनको खाने में शरीक करना, ये सारी सूरतें जायज हैं। सिर्फ एक सूरत नाजायज है और वो है जकात के पैसे देना। जकात में जकात आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, उसके अलावा आप सदकात खैरात जितनी माली मुआवनत करना चाहें अपने सदकात में से, जकात के अलावा पूरा साल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ मकासद तय करें आप, या आप किसी गैर मुस्लिम को जकात दे रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तबलीग में करें, उसको किताबें पेश करें, उसको मोल्ड करें इस्लाम की तरफ से, वो किस तरीके से फिर इस्लाम में भी शामिल हो जाए। कलमा तैयबा पढ़ के उसकी जिंदगी तो आपने संवारी है, उसकी आखिरत भी अच्छी करें आप, तो ये उसके पीछे मकसद है। तो अगर इस तरह करते हैं तो ये बहुत अच्छा। अलामा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अब्दुल मनान, ही इज आस्किंग हाउ द ज़कात ऑन प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड इफ एप्लीकेबल। देखिए, आपने प्लॉट लिया, एक लिया, दो लिए, तीन लिए, पांच लिए, दस लिए, प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप, तो आपने अब कैलकुलेशन जो करनी है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो जो पूरे प्लॉट्स हैं आपके पास उनकी कैलकुलेशन होगी, वो जैसे जैसे सेल करते जाएंगे आप तो उसकी अमाउंट पर जो है वो पे करते जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने मकान है कुछ, आपने रेंट आउट किए हुए हैं, प्रॉपर्टी है आपके पास कुछ, उसको रेंट आउट की हुई है आपने, तो फिर उसकी जो अमाउंट आ रही है उसको आप जमा करते जाएं, साल के बाद देखें कितनी अमाउंट बनती है, तो उस पर आप ज़कात पे कर दें। तो दोनों सूरतें हैं, प्रॉपर्टी है, खाली प्रॉपर्टी है, सेल करके उस पर ज़कात होगी, और अगर आपके पास मकानात हैं, शॉप्स हैं, दुकानें हैं और वो आपके पास मौजूद हैं और उन पर रेंट आ रहा है तो रेंट को जमा करते जाएं, साल के बाद जो अमाउंट होगी उस पर ज़कात होगी। मिनिमम 52.5 तोले चांदी के बराबर उसकी कीमत हो जाए, या मैक्सिमम 7.5 तोले सोना के बराबर हो जाए, तो उस पर आप जो है वो ज़कात दें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अली असदुल्ला, ही इज आस्किंग इज ज़कात एप्लीकेबल ऑन शेयर्स। वो बिजनेस से है ना बेसिकली, आपका जो कारोबार है, तो कारोबार जो है वो उसका जो मुनाफा होता है हमेशा, प्रॉफिट होता है, वो आप जमा कर रहे हैं, बैंक अकाउंट है आपका, उसमें आप जमा करते जा रहे हैं, तो साल के बाद आप सर्टन अमाउंट उसमें देखेंगे कि कितने बनते हैं पैसे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से आपको पैसे अदा करने पे। बिजनेस जो है, बिजनेस पर ज़कात ये है, तो मिसाल के तौर पर जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसके काम पर ज़कात नहीं है, काम की जो प्रॉफिट है उस पर ज़कात है, जो पैसे जमा हो रहे हैं, जो आपके पास मौजूद है उस पर ज़कात है। हाँ, बाद लोग कहते हैं कि बिजनेस पर भी ज़कात है, तो भाई कोई अगर देना चाहता है तो देयर इज नो प्रोहिबिशन, आप दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ज़कात है वो उस... तो आप जब करते जाएं उसको कैलकुलेट करें एंड पर, एट द एंड ऑफ द ईयर, और फिर उस पर जो है वो ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर आतिफ कुरैशी, he is asking how to calculate zakat asset to include and deductible liabilities. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कुछ चीजों को जो है वो कैलकुलेट करना है, इंक्लूड करना है, और कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना है। जो आप पर लाइबिलिटीज हैं, जो आपके अपना सामान है आपके पास, जो अपनी घर की चीजें हैं, जिन चीज़ों को आप बतौर कारोबार इस्तेमाल करते हैं उनको आप इंक्लूड कर लेंगे, और जिन चीज़ों को आप ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं वो बुनियादी तौर पर आप इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो बेसिकली आपकी ज़ात पर खर्च होने वाला आपका घर, आपके लिबास, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, ज़रूरियात हैं जिनकी वजह से आप फील करते हैं कि ये घर चल रहा है, उनको आप एक्सक्लूड कर लेंगे, और जिन चीज़ों को आप फील करते हैं कि ये इजाफी हैं,
ये मेरा कारोबार है या इनसे प्रॉफिट आ रहा है, उन चीजों को आप इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है, कोई आपको बाहर से आके नहीं बताएगा कि ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये चीज भी है। जिस जिस चीज के बारे में आपका दिल कहता है कि ये चीज जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए, उनको उन चीजों को आप इंक्लूड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहम्मद जुरेज अफसर, व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू पे ज़कात फ्रॉम डेबिट रिसीवेबल। देखिए पहली बात तो ये है कि कारोबार किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस सूरत में है, या आपने जाती किसी को पैसे दिए हुए थे उसमें उसमें जो है वो उस वो है अमाउंट। तो अगर तो आपने जाती पैसे दिए हुए थे और वो आए हैं आपके पास या अभी आने हैं, तो जब कभी रिसीव होंगे तब आप उसमें से पे करेंगे, उसमें से पे करेंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट से हैं तो साफ जहर है वो भी आपने जब रिसीव होंगे तब पे कर सकते हैं, या आप फील करते हैं कि ये आ ही जाने हैं मुझे, तो आपके पास एक मुनासिब अमाउंट मौजूद है तो उसमें से आप पे कर दें, बाद में आपको रिसीव होते रहेंगे। दोनों सूरतें जायज हैं, दोनों शक्लें जायज हैं। जो डेबिट आपको रिसीव होना है, जाती शक्ल में रिसीव होना है या कारोबार की शक्ल में रिसीव होना है, और वो आपकी जो जाती शक्ल में रिसीव होना है वो आपकी जरूरियात में से है, लाइबिलिटीज में से है, तो फिर तो उसमें से नहीं। और उस पर साल गुजरना फिर जरूरी है, साल अगर नहीं गुजरता तो फिर उस पर जकात नहीं है। लेकिन जो आपके बिजनेस पर आ रहा है, बिजनेस का आपका मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने लोगों को चीजें दी हुई हैं, उसमें से पैसे आपको आने हैं, तो भाई फिर आप क्या करेंगे, आप साल का इंतजार करेंगे, साल के बाद आप कैलकुलेशंस करेंगे, आप फील करेंगे कितना आ गया कितना नहीं आया, जो आ गया है उस पर आप जकात दे दें, जो नहीं आया उसको अगले साल में शामिल कर लें, अगले साल उसकी जकात दे दें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जिंदगी को आसान बनाया है, ये मुश्किल नहीं है। जकात का अमल आसान है, जिस शख्स ने नियत कर ली है ना कि मैंने अदा करना है वो कभी भी अदा कर सकता है। साल गुजरने के बाद अदा कर दे, साल गुजरने से पहले अदा कर दे जी तो अदा कर सकता है। वो एक दिन मुकर्रर कर ले, रमजानुल मुबारक में अदा करना है, रमजानुल मुबारक में अदा कर ले। जिल हज में अदा करना चाहता है, साल उसका जिल हज में पूरा हो रहा है, जिल हज में अदा कर ले। शवाल में अदा करना चाहे, शवाल में अदा कर ले। तो रिसीवेबल जो है उस पर उसको सहूलत क्या है, फैसिलिटी क्या है कि आया उसके पास कुछ इजाफी अमाउंट है जो उसके बदले में भी वो अदा कर दे। अगर नहीं है तो इंतजार करे, जब आ जाएगा और फिर उस पर साल गुजरेगा तो उसमें से अदा कर दे। तो जो उसको सहूलत बेहतर लगती है, फैसिलिटी बेहतर लगती है, उसको वो अडॉप्ट कर सकता है। Hello, can you hear me? निशा अपना माइक अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आ रही है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर बदयुज़मा, इज आस्किंग व्हाट इज द गाइडलाइंस इफ गोल्ड इज एलोकेटेड फॉर अ चाइल्ड एंड शी इज नॉट एडल्ट। जी वो एलोकेटेड तो कर दिया आपने, लेकिन है तो आपके पास ही, ठीक है, वो मौजूद तो आपके पास है, पेरेंट्स के पास है, तो पेरेंट्स पर जो है वो उसकी ज़कात देना जो है वो वाजिब है और जरूरी है। जब वो एडल्ट हो जाएगा का बच्चा या बच्ची, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी उसमें पे करना। अभी तो सिर्फ ये तय करना है कि पे किसने करना है, तो पे सागर जो आदत है, जो इस वक्त मौजूद है, जो बालिग है, जो अदा करेगा, वो जिसकी पोजेशन में है, पोजेशन में, तो माँ की पोजेशन में है तो माँ पे करेगी, फादर की पोजेशन में है तो फादर पे करेगा। और अगर फील करते हैं कि चाइल्ड भी इस काबिल हो गया है कि वो पे कर सकता है तो वो भी पे कर सकता है। Alama sahab, next question is from Mr. Atif Qureshi. He is asking, he has
own a house, but it is financed through bank. Now it is rented out. देखिए सबसे पहले तो आपको वो जो आपने फाइनेंसिंग करवाई है उसकी आपको पे करनी है टैक्स। जो रेंट आ रहा है वो फाइनेंसिंग जो करवाई है उसमें से आपने अपने अखराजात को निकालने। मिसाल के तौर पर एक मकान का 20,000 किराया आ रहा है तो 15,000 तो आपकी किस्त चली जाएगी या 20,000 ही किस्त चली जाएगी, तो फिर आप क्या उसमें से बचाएंगे और क्या करेंगे तो और क्या पे करेंगे जकात। तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर आपको उसमें से प्रॉफिट हो रहा है सारे अखराजात निकाल के, घर बन गया, फाइनेंस करवाया आपने, बन गया, अब उस पर रेंट आ रहा है, उस रेंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने फाइनेंसिंग जहां से करवाई है उसके पैसे भी पे करने हैं और आपके अपने अखराजात भी होंगे साथ ज़रा उसमें, तो अखराजात को भी आपने मीट विद करना है अगर उस पर आप डिपेंड कर रहे हैं तो फिर आप साल के कैलकुलेशंस करेंगे कि वो अमाउंट कितनी बनती है और आपके पास बैंक में जमा हो रहा है या घर में जमा हो रहा है। तो जमा होने का मकसद क्या है कि ये पैसे आपके इजाफी हैं, वगरना खर्च होते जाते, आप खर्च करते जाते, तो इजाफी होने का मतलब ये है कि आप उसको जमा कर रहे हैं तो तब उस पर जकात है। ये जो साल की अल्लाह पाक ने जो है वो शर्त लगाई है कि हौलान हौल उस पर साल गुजरे, इसके पीछे राज ये है कि भाई ये आपकी जरूरत की चीज तो नहीं है कि आप फौरन उसको जो है वो खर्च कर रहे हैं। अगर फौरन खर्च कर रहे हैं तो उस पर जकात नहीं है, और अगर फौरन खर्च नहीं कर रहे आप जमा कर रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं देन अब पर साल के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, जो अखराजात हैं वो निकाल लेंगे, जो आपने फाइनेंसिंग के पैसे देने हैं वो वापस कर देंगे और जो बाकी अमाउंट बचेगी अगर वो निसाब तक पहुंचती है तो आप उस पर जकात देंगे। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर इरफान अली। सम मदर्स डिवाइड गोल्ड इन द टू चिल्ड्रन टू अवॉइड द एसेट एक्सीडिंग निसाब, इज इट परमिसिबल? ये शरीयत के साथ जो है वो थोड़ा सा दाव लगाने की कोशिश की जाती है तो ज़कात फिर भी देनी पड़ेगी। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि फाइनेंसिंग तो आप पोजेशन तो वो आपकी पोजेशन में है ना, आप चार बच्चों में तकसीम कर दें 10 तोला सोना, चार बच्चों में तकसीम कर दें, लेकिन तकसीम करने के बाद भी वो किसकी पोजेशन में है? अच्छा, फिर आप जिसको भी पे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आज गोल्ड की जो कीमत है वो मोर देन 1 लाख है पर तोला, मोर देन 1 लाख है, तो फिर भी वो चांदी की कीमत को तो जरूर पहुंच जाएंगे, 52.5 तोले चांदी की कीमत को जरूर पहुंच जाएंगे। इवन देन यू विल हैव टू पे, आप नहीं भाग सकते, आपको पे करने ही होंगे। तो फिर ये है कि आपको अलग अलग पे करने होंगे, लेकिन शराफत के साथ अगर आप इकट्ठे पे कर देंगे तो ये हानि हो जाएगी शरीयत को भी और आपके लिए भी। Right, sir. And now, sir, another question. We have short time duration because you know that I think in the Lahore city, Azan just will be called in the after a few minutes. So, Mr. Muhammad Arif is asking question: Can we pay zakat on advance? For example, I want to pay zakat from my salary every month, as people required money in every month. So, and I also cannot pay as a lump sum amount. So, it is possible. बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस वो कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी कि मेरी सैलरीज 12 महीने के बाद कितनी बनेगी। 12 महीने के बाद आप उसको काउंट कर लें, जितनी अमाउंट बनेगी उसको आप डिवाइड कर लें 12 महीनों पर, तो वो आप पे करते जाएं, तो इन एडवांस आप पे कर लेते हैं। देखिए ये शरीयत जो है ये दीन युसर, दीन जो है वो आसानी का नाम है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप साल के बाद कितनी ज़कात देते हैं, तो आपने फरमाया, वो जवाब जो है वो मैं अपने भाई के लिए पेश करना चाहूंगा। आपने फरमाया साल के बाद इतने पैसे जमा ही नहीं होते कि ज़कात दी जा सके, यानी मैं सदका साल भर सदकात और खैरात इतना करता हूँ तो ज़कात के पैसे जमा नहीं हो पाते। तो जो कोई इस तरह कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है, सदकात और खैरात ज्यादा दे देता है, तो इवन देन उसके लिए जो है वो ये आसानी है कि वो कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है, इट इज परमिसिबल। हाफिजा अनिका साहिबा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर अगर घर का जो रेंट आ रहा है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर उन पैसों को काउंट करेंगे तो वो निसाब का करीब हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर भी 2.5 ही दिया जाएगा? बेहतर यही है कि आप उसमें से अपनी जो पैसे हैं अमाउंट भी जमा करेंगे, उसमें आपके पास सोना है वो भी जमा करेंगे, उसमें चांदी है आपके पास वो भी जमा करेंगे, तो निसाब को पहुंच जाएगा। तो करीब करीब निसाब के है, तो यकीनन आप ज्यादा कम होता रहता तो उसमें आप वो पे करेंगे। तकवा के करीब यही है। Right. Zahid Mahmood Sahib is asking, I have a plot from my own house construction and I'm saving money monthly for its construction from my salary. Please advise zakat calculation. Plot is for residential? Plot वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं own plot कर रहे हैं construct अपने लिए। Okay, okay. इस पर zakat नहीं है। Okay, right, right, sir, right. Another question is from Mr. Ali Asadullah. As you told, zakat is payable on the profits earned from the trading of the shares. So should we consider the losses incurred during the trading as well as while calculating net profit from the calculation of zakat? Definitely, definitely. I'm damn sure. I have, told earlier ke aap jab calculations karenge zakat ki, to जो प्रॉफिट्स हैं आपके उनको ही आप काउंट करेंगे, जो आपके लॉसेस हैं जो आपके उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट जमा होगी आपने उस पर जो है वो ज़कात देनी है। ये नहीं है कि आप जमा कर लेंगे आपके मैं 1 लाख तो मैंने कमाया है और 3 लाख नुकसान भी हुआ था तो मुझे ज़कात जो है वो 4 लाख पे देनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप वो एक्सक्लूड कर देंगे जो 3 लाख जो आपको लॉसेस हुए हैं, जो 1 लाख बचा है जो आपके अकाउंट में जमा है और साल उस पर गुजर गया है उस पर ज़कात होनी है। ये तो अंडरस्टूड है, इट्स पार्ट है। राइट। मिस्टर आतिफ जावेद इज आस्किंग, डू वी हैव टू पे ज़कात ऑन द एसेट्स मटेरियल लाइक यूटेंसिल्स इन द हाउस, इलेक्ट्रिक मशीन ईटीसी दैट वी ओन बट नॉट इन द यूज? ज़कात नहीं है। आप उसको ट्रेडिंग के पर्पस पर तो यूज नहीं कर रहे ना, यानी आपने इसको रेंट आउट तो नहीं किया हुआ है। घर में चीजें पड़ी हैं, इस्तेमाल हो भी जाती हैं, बाज़ औक़ात इस्तेमाल नहीं भी होती हैं। फ्रिज मिसाल के तौर पर पड़ी है तो आप कहेंगे कि फ्रिज चूंकि इस्तेमाल में नहीं है तो उस पर ज़कात है, ऐसा नहीं। आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीजें हैं, घर में पड़ी हैं, आपने इसी पर्पज के लिए खरीदी थी, पड़ी हैं तो कोई बात नहीं, उन पर ज़कात नहीं है। Badiuzaman sahab asking that to enlighten us on the collection of the zakat by estate. We are living in Saudi Arabia and here government collects zakat from the companies. Please enlighten us the best utilization of zakat by estate can be in these circumstances. ये बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि next time around जो governments हैं वो इस्लामिक government जो है वो इसी तरीका को adopt करेंगे, लोग अपनी चीजें जमा करवाते थे और फिर वो मुस्ताहिक जो लोग हैं उन तक, डिजर्विंग पीपल तक लोग जो है ना पहुंचाते थे। तो ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। अब स्टेट ने सबसे पहले जो है ये खुद डिसाइड करना है कि हमने कहां इन पैसों को खर्च करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर खर्च नहीं हो सकता, जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, अपराध के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर खर्च होंगे। लोगों पर आपने खर्च करने हैं, सबसे पहली तो बात ये है, उनकी बहबूद के लिए खर्च करना है, जो गरीब लोग हैं उन पर खर्च करना है, जो नीडी पीपल हैं उन पर खर्च करना है। तो इस्लाम ने जो है अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि इसको कहाँ खर्च करना है, और गवर्नमेंट बेहतर जानती है और वो हर गवर्नमेंट ने हर इदारों में अपनी प्रिविलेजेस जो हैं उनको खुद डिसाइड करना है। कोई पर मशवरा दे सकता है सिर्फ, बाकी उन वो बेहतर जानते हैं कि कहां खर्च करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अब्दुल मनान, इफ वन हैज मोर देन वन प्रॉपर्टीज फॉर द प्रॉफिट पर्पस
then whether the zakat would be calculated separately in the each property for sale purpose or simultaneously. Simultaneously. देखिए आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने कैलकुलेट करनी है तो ये आपके लिए आसानी है. मिसाल के तौर पर जो प्लॉट्स हैं जितने भी प्लॉट्स हैं जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी कि जब वो सेल आउट आप करेंगे सेल आउट करने के बाद उनका उनकी जो ज़कात है वो आप अदा करेंगे. तो अब मिसाल के तौर पर आपके पास 10 प्लॉट्स हैं जिनमें से एक सेल आउट हो गया बाकी 9 बाकी हैं तो अब आप ज़कात एक पर ही देंगे. जब बाकी आप जैसे जैसे सेल करते जाएंगे तो उनकी जो अमाउंट है उस पर आप जो है वो पैसे देते जाएंगे ज़कात अदा करते जाएंगे. लेकिन अभी आपको सिर्फ जो आपने सेल आउट किया है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके जो है वो पैसे आप अदा करेंगे. बाकी जो 9 हैं या 8 हैं या 5 हैं उनको आप रोक के रखेंगे. जब वो सेल आउट होंगे या जब उनसे रेंट आना शुरू हो जाएगा या जब उनसे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे और जमा करते जाएंगे और उस पर फिर जो है वो ज़कात होगी. Just only 3 last questions are remaining. Abdul Manan Saab is asking if property is sold out, if a property is sold out twice or thrice in the same zakat year, how would be zakat applicable? Twice or thrice, yani pehle sale hui. Ji 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 bilkul sir. Malik agar mukhlis hai change ho raha hai malik to phir zakat bhi saaf zara दोबारा दी जाएगी और तीसरी दफा भी दी जाएगी. मालिक पर डिपेंड करता है कि मालिक चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर सेम पर्सन है तो फिर राइट सर. अली साहब इज आस्किंग इफ यू वर लायबल टू पे ज़कात ऑन सम एसेट बट कुड नॉट पे दैट पीरियड ऑन द लेटर ऑन यू लॉस्ट दैट एसेट सो स्टिल द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर व्हेन यू वर लायबल टू पे will stand in the future periods although now you don't have asset. Asset to nahi hai lekin jo sabka aapne pay karni thi theek hai wo aap pay karenge wo jo ab to charger hai jo lose ho gaya hai ya loss aap kar gaye hain to ab us par zakat nahi hai lekin jo sabka liability thi aap par aur jo aapne pay karne the wo aap pay karenge charger hai wo jab bhi aapke paas available ho to aap pay kar denge. Right sir. Ali Asa Saab is asking as you told that the zakat is payable on the profits earned from the trading of the shares so should we consider the losses incurred I think I have asked this question. The next question is from Mr. Badiyu Zama Qureshi. What is the nisab on usher and can this be combined with the zakat? If there is loss in the yield then usher will still be payable. Ji usher jo hai ye to zameen par hai जमीन की जो पैदावार है उस पर जो है वो अदा किया जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है एज पर द प्रॉफिट्स और की जो जमीन की पैदावार है उसके मुताबिक तो इसको देखा जाएगा. ऑलराइट लास्ट क्वेश्चन है सर. अली सर साहब पूछ रहे हैं कि अगर किसी साहिब निसाब ने ज़कात नहीं की और लेटर ईयर में वो शख्स साहिब निसाब ना रहा हो तो इस सूरत हाल में जिन सालों की ज़कात अदा नहीं की गई थी तो क्या कफारा कोई इस तरह से अदा करना पड़ेगा? सबको अदा करनी पड़ेगी. जिन सालों में साहिब-ए-निसाब था उन सालों की ज़कात उस पर पेएबल है वो अदा करेगा और अब नहीं है तो अब नहीं है अब नहीं अदा करेगा. ठीक है सर. आई थिंक वी हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स और अब मजीद कोई क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मुझे नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे. तकरीबन तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं और आई थिंक अब अजान का टाइम भी बस कुछ वक्फे के बाद हो जाएगा लाहौर में. तो बहुत शुक्रिया अलामा महमूद मसूद साहब आपका और ग़ुलाम मुर्तज़ा अलवी साहब आप दोनों शख्सियात हमारे साथ रही हैं आज ICMA पाकिस्तान के इस ज़कात के सेशन में और रमज़ान के इन मुनासबत से इस टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता था. लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इस हवाले से और मुझे भी बेहद सीखने का मौका मिला. तो आप दोनों शख्सियात की बेहद दिल से मैं मशकूर हूँ और ICMA पाकिस्तान की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ मौजूद रहे
और बहुत ज़बरदस्त और सेरे हासिल गुफ्तगु रही आपके साथ और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कि हमारे साथ रहे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और आप लोगों के सवाल जवाब से भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शफीक साहब आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए और लाहौर कैंपस से भी तमाम लोग जिन्होंने इस सेशन को कंडक्ट करने में बहुत भरपूर किरदार अदा किया। तो थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह हम फिर किसी नेक्स्ट सेशन में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। मैं भी अर्ज करना चाहूंगा कि किसी हवाले से भी जो है वो नेक्स्ट टाइम भी किसी भी मौजू पर आप हमारी खिदमात और सर्विस लेना चाहें हम हाजिर हैं। तहरीके में हाबिल कुरान का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप इसको तालीम और तदरीस के लिए इस्तेमाल करना चाहें, लोगों को एजुकेट करने के लिए, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फोर्सेस निज़ाम के तरीके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये भी हाजिर है मौजूद है थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।